हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का बहुत दिनों बाद एक बार फिर से गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन से। कुछ खास न्यूज़ नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता है, एक बार फिर से वाराणसी सिटी लाल कुआं हमारी स्पेशल एक्सप्रेस चलाई गई थी, तो उसी का आज देखेंगे अराइवल और डिपार्चर। बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। ये गाड़ी प्रत्येक सोमवार को लाल कुआं से बनारस के लिए जाती है वाया गोला लखीमपुर होते हुए, तो अगर आपको बनारस जाना है तो आप सोमवार को यहाँ से जा सकते हैं। वापसी की बात करें तो ये गाड़ी मंगलवार को दोपहर 2:15 पर वाराणसी सिटी से रवाना होती है और अगले दिन रात के तकरीबन 1 बजे लखीमपुर और 1:40 पर गोला गोकर्णनाथ होते हुए पूरनपुर पीलीभीत बरेली के लिए होते हुए लाल कुआं तक जाती है। तो अगर आपको इस गाड़ी से बरेली भी जाना है, बरेली के लिए एकमात्र ट्रेन जो है वो इस रूट पर चल रही है, तो अगर आपको बरेली जाना है गोला लखीमपुर की तरफ से, तो आप बुधवार की रात में जा सकते हैं बरेली इससे। बात करें अगर इसके टाइमिंग की, तो ये गाड़ी अक्सर जो है कम से कम 2 से 3 घंटे की एवरेज डिले के साथ आती है, हालांकि आज तो ये लगभग 6.5 घंटे की देरी से आ चुकी है। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे WAP4 लोकोमोटिव के साथ जनरल और स्लीपर जो है इसके आज आगे की तरफ है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए हर बार ऐसा नहीं होगा, तो एक बार स्टेशन पहुँच के पोजिशन जो है इसकी ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ये कोचेज जो है कभी आगे तो कभी पीछे आते हैं और 2 मिनट का ठहरा होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप फैमिली के साथ हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, LHB कोचेज के साथ ये ट्रेन चल रही है। बीच में इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था, लेकिन हालांकि अब फिर से इसको दोबारा से शुरू कर दिया गया है, लेकिन हफ्ते में एक ही दिन चलती है। तो अगर सजेशन की बात करें, तो अगर रेलवे को सजेशन दूँ मैं, तो कम से कम एक दिन ना सही तो कम से कम 3 दिन लगभग ये ट्रेन चलनी चाहिए, ताकि यात्रियों को जो है और भी सहूलियत हो सके। देखिए WAP4 डिपार्चर के लिए अब यहाँ से तैयार है बिल्कुल, मैलानी पूरनपुर की तरफ जाने के लिए। और ये गाड़ी अगर बात करें तो आज लगभग 7.5 घंटे की देरी से आई है, 2:15 ये गाड़ी रिशेड्यूल थी वाराणसी सिटी से ही, और बाकी आपको पता है एवरेज डिले जैसा कि मैंने आपको बताया था 3-3.5 घंटा रहता है, तो उसी प्रकार से एवरेज डिले भी हुए यहाँ पे 3-3.5 घंटा हुआ है और 2:15 तो पहले से ही रिशेड्यूल थी। तो ये है आज का हाल। डिपार्चर देखिए हो चुका है, भीड़ भाड़ तो नहीं है बिल्कुल भी कुछ खास। बाकी इस ट्रेन को अगर परमानेंट हो जाइए तो बहुत अच्छी बात है, इसके साथ साथ लाल कुआं हावड़ा भी हमारी चल रही है, इन दोनों ट्रेनों को परमानेंट करना चाहिए और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो रेलवे को बढ़ानी चाहिए। बाकी मैलानी ऐशबाग पीलीभीत रूट को भी मद्देनज़र रखना चाहिए रेलवे को, क्योंकि ये रूट भी पूरी तरीके से तैयार है, जिस पर रोज़ पता नहीं कितनी ही मालगाड़ियाँ यहाँ पर रेलवे निकाल रहा है, लेकिन पैसेंजर गाड़ियों पर कुछ खास ध्यान जो है वो इस रूट पर नहीं दिया जा रहा है। मीटर गेज के टाइम से जो बात करें तो बरेली जो है वो पूरी तरीके से जुड़ा था, इस क्षेत्रवासियों को इससे काफ़ी सहूलियत होती थी, लेकिन अभी तक भी बात करें तो अगर स्पेशल ट्रेन को छोड़ दें जो कि हफ्ते में एक दिन चलती है, तो बरेली जो है वो अभी भी नहीं जुड़ पाया है। तो आप सभी बताइएगा अपनी राय, कहाँ कहाँ के लिए ट्रेनें यहाँ से चलनी चाहिए, क्या सुझाव हैं आप सभी के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही तमाम अपडेट्स, नई नई ट्रेन्स अगर चलती हैं या ट्रेन से रिलेटेड अपडेट के लिए हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप देखिए डिपार्चर।